जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाले राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। प्रश्न को गौर से सुनेंगे, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा, आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई मोल नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। सरकार निजी संपत्ति को बलपूर्वक अधिग्रहण कर लेती है, उसका राष्ट्रीयकरण कर देती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सोवियत संघ रूस है। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं या उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां संसाधन पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार और पूंजीपति दोनों का समान रूप से अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है भारत। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र क्या है या ओजोन छिद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ओजोन छिद्र क्या है या ओजोन छिद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपका उत्तर होगा, ओजोन हमारे वायुमंडल का एक परत है। ओजोन हमारे वायुमंडल का एक प्रमुख परत है जो समताप मंडल में मौजूद है। ओजोन हमारे वायुमंडल का एक प्रमुख परत है जो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन मंडल को पृथ्वी का रक्षक या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रदूषण के कारण, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के प्रयोग के कारण आज दिन प्रतिदिन ओजोन परत कमज़ोर हो जा रहा है। उसका सतह कमज़ोर पतला होते जा रहा है और वह उसमें छेद होते जा रहा है। इस तरह से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन परत में हो रहे छिद्र को ओजोन छिद्रीकरण के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है। तो आप जान ले, वैश्वीकरण को हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन या विश्वव्यापीकरण के नाम से भी जानते हैं। वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक अर्थव्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का प्रयास करती है, तो इस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हैं या वैश्वीकरण के लाभ को लिखे। तो आप लिखेंगे, वैश्वीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं या विश्वव्यापीकरण के या ग्लोबलाइजेशन के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर एक, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हो रही है, तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है, विश्व के देशों के संबंध में सुधार हो रहे हैं, विकासशील देशों के विकास में गति आई है, दो देशों के बीच दूरियां कम हो रही है, मानव में तकनीकी और कुशलता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग क्या है अथवा योजना आयोग से आप क्या समझते हैं अथवा योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है, संस्था है। इसका गठन, मतलब योजना आयोग का गठन संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं,
योजना आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के जगह नीति आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय दल के उदय के क्या कारण है? भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण है? तो आप लिखेंगे, भारत में विपक्षी दल के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश के असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण। दूसरा, सत्तारूढ़ पार्टी के स्वेच्छाचारिता पर, निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए। तीसरा, जनता के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्षी दल का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है या द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत एक विचार है जिस विचार के प्रतिपादक डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करने के लिए जो योजना पेश किया, जो एक विचार पेश किया, उसी विचार को हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और अपने विचार में जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग विचार है, दोनों को एक साथ रखना संभव नहीं है। और इसी सिद्धांत के आधार पर 14 अगस्त 1947 को भारत दो खंडों में बट गया, भारत और दूसरा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, विविधता में एकता भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। विविधता में एकता भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, पर सबकी राष्ट्रीयता एक है, पहचान एक है। भले ही कोई अपने आप को बिहारी कहता हो, मराठी कहता हो, तमिल कहता हो, तेलुगु कहता है, लेकिन पहचान देने की बात होती है तो सब अपने आप को इंडियन कहता है। इस तरह से भारत में विविधता में एकता है। और विविधता में एकता का सूत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, भारत की राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, कांग्रेस पार्टी का बोलबाला। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हो, बोलबाला हो, तो उसे हम कांग्रेस के प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में 1952 से लेकर 1967 तक, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में पूर्ण बहुमत से आई। इसी स्थिति को हम कांग्रेस के प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो आप लिखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच था, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1,
राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, भारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास करना, रोजगार के अवसर का विकास करना तथा आय और धन के जो असमान वितरण हैं उस असमान वितरण को क्या करना, दूर करना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उद्देश्य थे। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। पुनः नए विषय लेकर हम अगले क्लास में आते हैं।